गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स। सो व्हेन इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, देन दे आर कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सिंपल वाले में हम लोग क्या करते हैं कि सभी कमोडिटीज़ को एक जैसा वेटेज देते हैं, लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर्स में हम उसको अलग अलग इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पहले हम देख लेते हैं। इसमें जो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, ये आपने अच्छे से करने हैं, तो ये हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले लेस्प्रेस मेथड। तो ये सारे जो भी इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन जिन्होंने हमें ये दिए हैं, उन्हीं के नेम के अंडर हैं, ठीक है। तो लेस्प्रेस ने जो है मेथड हमें दिया है, उसमें हम आपको बता देते हैं कि पी नॉट वन, अच्छा ये नॉट या ज़ीरो जिसको आप कह सकते हो, ये बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है, वन करंट ईयर को। इसका फॉर्मूला बनेगा समीशन ऑफ पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। उसके बाद पास्चियस मेथड, पी नॉट वन इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी वन क्यू वन ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू वन इंटू 100। थर्ड हमारे पास आ जाता है फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में पी नॉट वन जो है हमारे पास, दैट विल बिकम, दैट इज अंडर रूट ऑफ पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू पी वन क्यू वन समीशन ओवर पी नॉट क्यू वन का समीशन इंटू 100। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं क्या बन रही हैं हमारे पास, दैट इज नथिंग बट एल इंटू पी, लेस्प्रेस एंड पास्चियस, दोनों का मल्टीप्लाई है, अंडर रूट है, ठीक है। उसके बाद डॉर्बिश एंड बॉले मेथड हम देख लेते हैं। डॉर्बिश एंड बॉलेस मेथड हमारे पास क्या है, एल प्लस पी ओवर टू, राइट। तो इसमें हमारे पास आ गया पी वन क्यू नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट प्लस पी वन क्यू वन ओवर पी क्यू पी नॉट क्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे समीशन ओवर टू इंटू 100, राइट। तो उसके बाद मार्शल एंड एजवर्थ मेथड देख लेते हैं। पी नॉट वन इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी वन क्यू नॉट प्लस क्यू वन ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट प्लस क्यू वन इंटू 100। और पी नॉट वन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या किया, पी वन पी नॉट वैसे ही चल रहे, लेकिन ब्रैकेट में हमने क्या समीशन किया है, क्यू नॉट प्लस क्यू वन। तो इन दोनों को देख लेते हैं, पी वन प्लस इंटू क्यू नॉट प्लस पी वन क्यू नॉट वन पी नॉट क्यू नॉट प्लस पी नॉट क्यू वन इंटू 100। कैलेस मेथड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पी नॉट वन हमारे पास क्या आ गया, पी वन क्यू समीशन समीशन पी नॉट क्यू, यहाँ पे क्यू एक ही है, यहाँ पे दो क्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है, इंटू 100, राइट। तो ये थे हमारे पास फॉर्मूलाज, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। स्पेशली फिशर्स वाला जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्सेस रहा है तो वो फिशर्स मेथड होता है। दैट इज़ वाई फिशर्स मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ सारे मेथड्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड सॉल्व दीज फॉर्मूलाज, राइट। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कमोडिटी है 95 का रेट है, 96 का रेट है, प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। तो ये जो 95 का डाटा है, तो प्राइस में हमारे पास आ गया पी नॉट, क्वांटिटी में हमारे पास आ गया क्यू नॉट, दिस वन इज़ क्यू नॉट, ठीक है। तो ये 96 का डाटा प्राइस में आ गया पी वन, क्वांटिटी में आ गया क्यू वन, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या क्या हमने निकालना है। अगर मैं लेस्प्रेस मेथड को पहले देखूं, तो मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। तो यहाँ के हिसाब से मेरे को क्या चाहिए, एक तो पी वन क्यू नॉट, एक पी नॉट क्यू नॉट। तो वो निकाल लेते हैं, पहले पी नॉट क्यू नॉट निकाल लेते हैं, पी नॉट क्यू नॉट ये मेरे पास कितना निकल गया, 16 50 दैट इज़ 56, 19 टू ज़ा
38 समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट हमारे पास आएगा 160। उसके बाद देख लेते हैं पी वन क्यू नॉट, तो पी वन क्यू नॉट हमारे पास आ गया 4 से 32 60, एंड देन हमारे पास आ गया 70 38। तो समीशन ऑफ पी वन क्यू नॉट हमारे पास बन गया 200। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर मैंने पैसचेस मेथड देखूं तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला समीशन ऑफ पी वन ओवर क्यू वन ओवर समीशन ऑफ पी नॉट क्यू वन इंटू 100। उस हिसाब से देखूं तो मेरे को पी वन क्यू वन चाहिए, पी नॉट क्यू वन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पी वन क्यू वन। पी वन क्यू वन मेरे पास आ गया 6 4 24 6 5 30 50 30। ये टोटल हमारे पास बन गया समीशन ऑफ पी वन क्यू वन हमारे पास रह गया 134। उसके बाद मेरे पास लास्ट वन ऑप्शन पी नॉट क्यू वन, पी नॉट क्यू वन 12 25 40 30। पी नॉट क्यू वन मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 107। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। पी वन क्यू नॉट मेरे पास कितना है 200, पी नॉट क्यू नॉट 160 इन 200, ये कितना आ गया 125। ठीक है जी, पैसचेज मेथड देख लेते हैं। पी वन क्यू वन 134, पी नॉट क्यू वन मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 107 इन 200, ये कितना आ गया 125.23। फिशर्स मेथड देख लेते हैं। फिशर्स मेथड जो है वो एल इंटू पी अंडर रूट है। ठीक है जी, पी वन क्यू नॉट अंडर रूट हम लेंगे इसको, दैट इज़ पी नॉट क्यू नॉट इन टू समीशन ऑफ पी वन क्यू वन ओवर पी नॉट क्यू वन इन टू 100। ठीक है, तो दिस इज लाइक 134 ओवर 107 अंडर रूट कीजिए, उसको इन टू 100 कर दीजिए, तो ये आपके पास सारा करने के बाद 125.09। क्योंकि इसमें जो आपके पास मेथड्स में जो एक हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो ऑलमोस्ट सेम सी होंगी। ठीक है, तो एक बाउले मेथड देख लेते हैं। बाउलेस मेथड में हमारे पास क्या है, दैट इज़ पी वन क्यू नॉट और समीशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट प्लस पी वन क्यू वन और समीशन ऑफ पी नॉट क्यू वन ओवर 2 × 100। राइट, तो ये हमारे पास आ गया 200/160 प्लस 134/107 ओवर 2 × 100। इसको पूरा करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 125.1। ठीक है जी, सिमिलरली एक लास्ट एक और करते हैं, मार्शल एचवर्थ मेथड। मार्शल और एचवर्थ के मेथड में हमारे पास फॉर्मूला जो रहेगा, ये सारे पी नॉट वन है, पी नॉट वन पी नॉट वन पी नॉट वन पी नॉट वन। ठीक है, पी नॉट वन इज इक्वल टू
summation of p1 q0 plus q1 over summation of p0 q0 plus q1 into 100। ठीक है जी, तो इसमें हम इसको कर लेते हैं, समीशन ऑफ p1 q0 प्लस समीशन ऑफ p1 q1 और समीशन ऑफ p0 q0 प्लस समीशन ऑफ p0 q1 200। प्लस 134 160 ये आ गया, प्लस 107 into 100 और ये सारा करने के बाद 125.09। एक हमारे पास कैलिस मेथड है, तो कैलिस मेथड में क्या रहेगा, कैलिस मेथड इज p01 इज इक्वल टू, कैलिस मेथड में p01 हमारे पास आ जाता है समीशन ऑफ p1q ओवर समीशन ऑफ p0q into 100। तो इस केस में एक ही क्यू रहेगा, दो प्राइजेज रहेंगे हमारे पास, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कैलिस मेथड को यूज़ करेंगे जहाँ पे फिक्स्ड वेट है हमारे पास, क्वांटिटी एक है और ये दो हैं, तो ये मेथड लगा के हमारे पास कैलिस मेथड का भी आ जाएगा। राइट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।